हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसे की बैटर। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा जाली ले लिया, इसमें मैंने चावल डाल दिए इस गिलास की, देख सकते हो आप गिलास की साइज छोटा है, तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डालना है। आपको घर में ज़्यादा लोग हो तो आप उसी हिसाब से चावल डालना, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो मैंने इसमें 2 गिलास चावल ले लिया, आप चाहे इसमें 4 गिलास चावल और 1 गिलास दाल, उड़द की दाल लेके आप भिगा सकते हो, उसमें डोसा इडली दोनों ही बनेगा। बस इतना सा दाल मुझे इसमें मिलाना है, आधा गिलास दाल मुझे इसमें मिलाना है, कि 1 गिलास पूरा नहीं देना है। इसमें चावल कम दिया, आप चाहे तो इससे और भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। कम करके आप मिला के अच्छे से वॉश करके इसको भिगा देना है 1 दिन के लिए। मैंने इसको अभी भिगाऊँगी दोस्तों, और इसको शाम को मैं पीसूँगी, फिर इसको रात भर मैंने बाहर ही छोड़ दूँगी। तो मैंने अभी तक तो इतना ही आपको दिखा रही हूँ, बाकी की बात डिटेल्स बाद में दिखाएंगे। देखिए मैंने सुबह चावल दाल जी भिगा दिया था, आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल चुकी है। ऐसे तो 4 घंटा में हो जाता है, लेकिन मैंने रखा हुआ था। अब मैंने अभी इसको निकाल के अब मैंने मिक्सी में इसको पीस लूँगी दोस्त। देखिए अब कितना अच्छा सा मेरा पीस चुकी है, आप देख सकते हो। अब मैंने देख सकते हो आप, बिल्कुल बटर तो रेडी है। अब मैंने इसको रात भर तक बाहर छोड़ दूँगी, फिर सुबह तक बहुत अच्छा बनेगा, फूल जाएगा। मैंने थोड़ा सा चने की दाल ले लिया, मैंने भिगाने की भूल गया था, तो इसको मैंने भिगा देती हूँ, बाद में इसको भी पीस के डाल देंगे। थोड़ा सा मेथी, ये भी मैंने इसी के साथ डोसा की बैटर के साथ पीस लेंगे, तो बहुत अच्छा डोसा बनता है। तो देखिए मैंने ये मेथी दाल मैंने रखा था, भिगा दिया था, वो मैंने पीस लिया, तो आप इस पीस लिया। अभी मैंने इसके अंदर डाल देता हूँ दोस्तों। अब इसको मैंने रात भर के लिए ऐसे ही भिगा के छोड़ के रखूँगी, तो सुबह तक बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये कल डोसा बना के रखा था, आप देख सकते हो, कल मैंने इसमें आधी कटोरी रखा था, अब पूरा कटोरी ऊपर तक आ चुकी है। देखिए फूल चुकी है, और कितनी बढ़िया बैटर बन गया इसका, जो बैटर बना था इतनी अच्छी बन गया है। तो अब मैंने इसको आपको बना के भी दिखाऊंगी। मैंने तवा चढ़ा दिया यहाँ पे, आज ये डोसा की बैटर यहाँ पे रखा था उसको भी मैंने अलग कर लिया। तो इसमें जितना मुझे बनाना है उतना में नमक डालना है दोस्तों, तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल देना, फिर इसको अच्छे से फेंट लेना। मैंने यहाँ पर कोई सोडा नहीं डाला, बस रात को सारी रात भर इसको बाहर रखा था। अब मैंने इसको तेल डाल देता हूँ, तो मैंने तेल डाल दिया, और इसको इस तरफ से फेटना है, एक ही तरफ से फेटना है, दोनों तरफ से नहीं मत फेटना, फिर वो फूलेगा नहीं और बनेगा भी अच्छे नहीं। मैंने थोड़ा सा लगा के देखता हूँ ये हो गया क्या, देखती है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, देख सकते हो बिल्कुल हो चुकी है। मैंने डोसा की जो बैटर बना के रखा उसको मैंने आँच को कम करके फिर डालना है दोस्तों। जितना पतला हो सकते इतना पतला आप कर लेना। मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, देखिए कितनी बढ़िया सा बन चुकी है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो इसी तरीका से मैंने सारी डोसा बना के आपको दिखा दूँगी। देखिए मेरा इसी तरफ से सारी डोसा बन चुकी है, आप देख सकते हो डोसा कितना बढ़िया बनी है, और मैंने उसके साथ सांभर भी रख लिया। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना।